आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम ये पोशाक आप लोगों के डिमांड पे बनाए, यानी कि हमारी एक बहन है जो ये पोशाक को जानना चाहती है कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम बनाने का कोशिश किए हुए हैं। उनके डिमांड पर ही हम ये पोशाक को बनाए हुए हैं, तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले आप चोली तैयार कर ले। देखिए चोली आप जितने नंबर के कान्हा जी का चाहते हैं चोली बना ले। इसके बाद जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को घेरा बनाना, वो आप जितना लंबा चाहिएगा, चाहे 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, बस इसे बढ़ाते चले जाइए, आपका यहाँ पे पोशाक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन में कम्प्लीट किए। अब दूसरा लाइन से देखिए हम यहाँ डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया पहले बनाएं, फिर इसी स्थान से 1 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद इसे देखिए इस तरह से हम अंदर की ओर लाएंगे हुक डालकर, और यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद फिर अगला चेन पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा 1 बनकर तैयार हो गया। फिर से बन लेंगे, अब दूसरा हमें उसी तरह बनाना, यानी कि 3 डबल क्रोशिया में हमें बनाना है 1 फूल। तो फिर से देखिए यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएं, अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया 1 और फिर ये हो गया 2। अब 2 के बाद यहाँ पे हम 3 लेंगे चेन, 1 2 3, हल्का ढीला ढीला लेंगे चेन। अब फिर से इस तरह से हम इसे अंदर की ओर लाएंगे हुक को, और इससे निकालते हुए इस पर ले आएंगे, फिर अगली चेन पे हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे पूरी गोलाई में। यहाँ पे हमारा घेरा भी बढ़ता चला जाएगा क्योंकि हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए इसे एक लाइन में बनाकर सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बना लिए। बना लेने के बाद अब यहाँ हमारा 1 एक्स्ट्रा हो जा रहा था डबल क्रोशिया, तो कोई बात नहीं, हम उसे भी बुन लिए 1 एक्स्ट्रा, और फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे। देखिए ऊन को कट कर लेंगे, अब दूसरा कलर लगाते हुए बुनेंगे। तो अब जो हम कलर लगाएंगे उसे हम किनारे यानी पीछे तरफ से लगाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए अब हम दूसरा कलर इस पर जोड़ते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें इस कलर का ऊन से बुनना है, थोड़ा सा हल्का सा कलर मात्र हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए इस स्थान पे इसे जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे 2 हो गया 1 3, 3 चेन ले लेंगे। अब क्या करना है हमें, ये ठीक इसके बगल का जो यहाँ पे बगल का जो हुक है डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए जब हम 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे तो फिर हमें 1 2 3, 3 चेन ले लेंगे और इस पे हुक को डालेंगे इस तरह से, और फिर इसे हम इस तरह निकाल लेंगे। फिर अभी इसी जगह से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 1 2। देखिए 2 डबल क्रोशिया हम और बना लिए। अब हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बीच करके और फिर इस स्थान पे हुक को डालेंगे, और फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया इसी तरह बनाना है, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये 4 डबल क्रोशिया। अब 4 डबल क्रोशिया जब हम बुन कर ले आए हैं तो हमें फिर से 3 चेन बुनना है, 1 2 3, और 3 चेन बुनकर इस तरह से इसे निकाल लेना है। फिर से 2 डबल क्रोशिया और हमें इसी जगह से बुन लेना है 1 डबल क्रोशिया और 1 और डबल क्रोशिया, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए फिर बल लेना है, फिर 1 2 2 के बाद हमें यहाँ पे डालना है हुक को इस स्थान पे, 2 डबल क्रोशिया के बाद हम डालेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम। तो 1, ये हो गया 2, फिर से ये हो गया 3, फिर से ये हो गया 4, तो 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें
यहाँ पे करना है एक दो तीन, तीन के बाद हमें इस तरह से लेना है, फिर से दो डबल क्रोशिया बुन लेना है, एक और एक और बुनेंगे दो, छः डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें इसे बुनते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। ऐसे तो ये बनाने का काफ़ी तरीका है, लेकिन हम आप लोगों को ये सबसे सरल तरीका बतला रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे बुनना है। तो हमें ये बुन लेना है, ये लाइन पूरा बुन लेंगे, फिर कलर चेंज करते हुए दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, जितना लंबा आपको बनाना है आप यहाँ पर बना सकती हैं। तो चलिए इसे हम कुछ लाइन में बुनकर, कलर चेंज करते हुए कुछ लाइन में बुनकर फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कितना कलर में बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ एक ये कलर है, ये दूसरा कलर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पांच कलर से हम इस पोशाक को बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।